धन्य हो प्रभु जी, धन्य हो आपका नाम, प्रेज द लॉर्ड।
धन्य हो प्रभु यीशु का नाम, अद्भुत नाम, सामर्थी नाम, यीशु का नाम। आज के दिन हम उस नाम में जमा हुए हैं, आज के दिन उस नाम को उठाने के लिए, उस नाम को महिमा देने के लिए हम आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन जो यीशु ने हमें दिया है, उसी ने हमें दिया है। आज यदि हम जीवित हैं, तो केवल यीशु की कृपा है। हालेलुया, केवल उसी की कृपा और करुणा है। हालेलुया, धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। जबकि हम गीतों को गाते हैं, इन गीतों को के बोल को याद करते हुए उसमें आपकी ईमानदारी और सच्चाई पाई जाए। जब आप कहते हैं मैं हूं तेरा, आज के दिन प्रतिदिन गाएं, आज के दिन, चाहे सोमवार हो तो आज के दिन मैं हूं तेरा, बृहस्पतिवार हो आपके दिन, आज के दिन मैं आप ही का हूं, शुक्रवार और शनिवार को प्रभु यीशु मैं आप ही का हूं, आज के दिन। हालेलुया, उसके भवन में हम आए हैं। आप में से हर एक जन, मैं आपको प्रेरित करूंगा। हो सकता है आप कठिन समय से गुजर रहे हो सकता है किसी प्रकार के संघर्ष से आप होते हुए निकल रहे हो, कठिन समय में भी वो हमारा प्रभु है, कठिन समय में भी वो हमारा राजा है, हमारा स्वामी है। कठिन समय से हमें निकालने के योग्य वो प्रभु है। और यदि ऐसे संघर्ष और आंधी तूफान भरे समय से आप निकलना चाहते हैं, तो अपने आप के लिए सुनिश्चित करें कि यहोवा की उपस्थिति मेरे संग रहे, यहोवा की उपस्थिति मेरे संग रहे। और वचन हमें सिखाती है, यदि यहोवा की आत्मा हमारे संग है तो वो हमें आनंद से भरता है और अपनी शांति से भरता है। हालेलुया, धन्यवाद, 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 ओ हालेलुया। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। गाइए, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, तेरे भवन में, तेरे भवन में। जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे, हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, ये आपके लिए सच है।
क्या ये सच है आपके लिए? आवाज नहीं आ रही है, सच है? ओके, गाइए। यीशु का नाम, यीशु के नाम में ही हम यहां पर इस भवन में आए हैं, यीशु के नाम में ही हम यहां जमा हुए हैं इस भवन में हैं। वही एकमात्र नाम जो सच्चा नाम है, यीशु मसीह का नाम, सामर्थी नाम, जय जयकार के योग्य नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य हो प्रभु जी। Yes.
हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे. ओ यीशु यीशु तू योग्य है, योग्य है मेरे यीशु तू योग्य है. हालेलुया गुरु बशे और मगरारे नेर मसंदे ननन मेरी करो. आज हम जबकि क्रूस के सामने प्रभु के मेज के सामने आए हैं, उसके मृत्यु को स्मरण करते हुए, इस बात को याद करते हुए किस प्रकार से 2000 वर्ष पहले उसने अपने आप को बलि के रूप में क्रूस पर चढ़ाया. वो जानबूझकर क्रूस पर गया ताकि उसका बलिदान हो. उसने आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को बलि चढ़ाया, अपने आप को बलि चढ़ाया ताकि आप और मैं पापों से और पाप के श्राप से आप मुक्त होने पाए. और आज के दिन जो कोई उस पर विश्वास करे है वो नाश नहीं होगा परंतु हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन प्राप्त करेगा. हालेलुया हालेलुया. अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे यीशु ने दे दी जान मेरे बदले. आप लोग गाइए, अद्भुत है, अद्भुत है क्रूस.
प्रभु यीशु योग्य है क्या? वो आपके भक्ति के योग्य है? आपके जीवन में क्या प्रभु यीशु योग्य है? आप जानते हैं क्यों वो योग्य है? वो इसीलिए योग्य है क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है।
उसके समान कोई और नहीं है, उसके जैसा कोई और नहीं है, कोई भी नहीं है। हालेलुया, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वो यीशु मसीह वो एक ही है, उसका तुल्य कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। वो बाकी सबों से कहीं बढ़कर और ऊंचे स्थान में यीशु पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जबकि हमारे आंखें बंद हैं, हम अपने ध्यान को उस यीशु पर लगाएं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है
तालियों का भेंट चढ़ाएं, हाले ताली बजाएं यीशु के लिए। तेरे जैसा कोई नहीं, हालेलुया 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 हालेलुया। I have one concern for all of you। आप सब के लिए एक चिंता की बात है। If you believe in something, अगर आप किसी बात पर विश्वास करते हैं, और if you believe in someone, या किसी के ऊपर अपने विश्वास को रखते हैं, why should you believe? तो आप क्यों विश्वास करते हैं? You don't believe someone whom you do not know. आप किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे जिसे आप जानते नहीं हैं। Now whom, why do you believe in Jesus? आप यीशु मसीह के ऊपर क्यों विश्वास करते हैं? I hope nobody has forced you to believe. और मैं आशा रखता हूं कि किसी ने आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला है कि आप यीशु पर विश्वास करें। Somebody must have shared about Jesus. हाँ, हो सकता है किसी ने आपको यीशु मसीह के विषय में बताया हो। And that it is through him alone mankind can be saved. और ये बताया होगा कि यीशु के द्वारा ही मनुष्य उद्धार में आ सकता है या मोक्ष पा सकता है। Salvation is in him. और जो मोक्ष जो है वो यीशु मसीह में ही पाया जाता है। Eternal life is in him. अनंत जीवन यीशु मसीह में ही पाया जाता है। So somehow you were convinced. और किसी प्रकार आप इस बात के लिए आप निश्चय हो गए। So you chose to believe in Jesus. So इसलिए आपने स्वयं इस बात को चुना कि आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। So when you believe in someone, और जब आप किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, यू शुड ऑल्सो हैव अ डीप कन्विक्शन, उसके प्रति आपके अंदर, हृदय के अंदर एक बड़ा कायलता होना चाहिए। एंड वंस यू आर कन्विंस्ड दैट यस, जीसस क्राइस्ट इज द ओनली लिविंग सेवियर थ्रू हुम आई कैन बी सेव्ड, और एक बार आपको पूर्ण कायलता हो जाता है कि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। If you have that conviction always, और अगर आपके अंदर वो गहरा विश्वास है, don't compromise that conviction. तो फिर इस विश्वास के साथ आप किसी प्रकार का समझौता ना करें। No matter what it cost you. चाहे आपके लिए
आपको इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े. You have the freedom to, आपके पास पूरा आजादी है. What faith to follow? कि आप किसके पीछे चलेंगे, क्या विश्वास करेंगे. But let it be the right kind of faith. लेकिन होने पाए वो सही प्रकार का विश्वास हो. So stand on your conviction. और इसलिए अपने विश्वास के ऊपर आप दृढ़ता के साथ खड़े रहें. Don't compromise. कोई भी समझौता ना करें. Under any kind of pressure. और किसी के दबाव के ऊपर आप किसी प्रकार के समझौता ना करें. Even if you have to lose your job. और चाहे हो जाए आपके विश्वास के कारण आपका नौकरी भी चला जाए. Lose your property. हो सकता है आपका संपत्ति भी आप खो दे. Because for Jesus' sake you will have to suffer all this. क्योंकि यीशु मसीह के खातिर आपको इन सब का दुख उठाना पड़ेगा. You must be prepared for that. और इसके लिए आपको पूरे रीति से तैयार होना चाहिए. Why? क्यों? Because all the sufferings and persecution, everything is only a short, short time. क्योंकि जितना भी दुख है, जितना भी सताव है या विरोध है, वो सिर्फ कुछ समय के लिए है. In order to avoid all such kind of problem, और ऐसे समस्याओं से दूर हटने के लिए, इफ यू कॉम्प्रोमाइज योर फेथ, अगर आप अपने विश्वास के साथ समझौता करेंगे, यू विल बी द लूजर. तो फिर आप ही हार जाएंगे अंत में. यू विल लूज योर इटर्नल लाइफ. अंत में आप अपने अनंत काल के जीवन को गवा देंगे. जीसस क्राइस्ट हैज डाइड फॉर यू एंड शेड हिज ब्लड फॉर यू. और यीशु मसीह ने आपके खातिर, आपके पापों के खातिर अपने बहुमूल्य लहू को बहाया. व्हाई? क्यों? बिकॉज विदाउट हिज सैक्रिफाइस देयर इज नो सॉल्वेशन. क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान के बगैर कोई भी प्रायश्चित नहीं है, कोई क्षमा नहीं है. सो ही पेड दैट बिग बिग प्राइस. और इसी कारण से यीशु मसीह ने उस बड़े कीमत को चुकाया. बाइबल ऑलरेडी हैज टॉट अस. बाइबल ने हमें पहले से ही इस बात को सिखाया है. एनीवन हु वांट्स टू लिव गॉडली लाइफ, जो कोई व्यक्ति एक भक्तपूर्ण जीवन बिताना चाहता है, विल बी पर्सिक्यूटेड. उसको सताया जाएगा. It is already. ये पहले से ही बाइबल में लिखा है. एंड सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू पे एनी प्राइस इन ऑर्डर टू कीप योर फेथ. सो इसलिए आप अपने विश्वास को दृढ़ता से रखने के लिए आपको तैयार होना चाहिए कि आप कोई भी कीमत को चुकाएं. I want to share something from the gospel according to Saint Mark chapter 4. मैं कुछ बातों को बांटना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय से, वर्सेस 31-41, और 31 पद से 41 पद तक. दिस इज अ मैसेज दैट आई हैव शेयर्ड हियर इन दिस चर्च इन द फर्स्ट सर्विस 1 ईयर अगो. और ये जो संदेश है मैंने लगभग एक वर्ष पहले हमारे पहले आराधना में मैंने इस संदेश को दिया था. So I have not spoken here for the second service. लेकिन दूसरे सभा में मैंने इस बात को नहीं प्रचार किया है. So I felt very strongly that this is a message I must bring for you. So मैंने बहुत बहुत गहराई से इस बात को महसूस किया कि मुझे आज ये संदेश देना चाहिए. There are some very very valuable lesson that we can learn. और इसमें कुछ ऐसे बहुमूल्य पाठ है जो हम सीख सकते हैं. So let us read this passage. So आइए हम इस भाग को पढ़ेंगे. Many of you are familiar with this passage. आप में से बहुत लोग इस भाग को जानते हैं. Because you read the Bible. क्योंकि आप बाइबल को पढ़ते हैं. Many of you may not know this. और हो सकता है आप में से कुछ लोग ना जानते हो. So to help us understand, let us read this passage. So हमारी सहायता के लिए आइए हम इसको पढ़ें. फिर वह राई के दाने के समान है जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि की सब वस्तुओं से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उग कर सब सागपात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं. वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था.
उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और नावें लहरें नाव पर यहाँ तक लग रही कि वह पानी से भर जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है जो आंधी और पानी की भी आज्ञा मानते हैं? आमेन। ऑल ऑफ यू हैव हर्ड, आप सब ने इसको सुना। जीसस वाज टीचिंग थ्रू पैराबल्स, यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा अपने लोगों को सिखाते थे। अ पैराबल इज अ टीचिंग ऑफ अ स्पिरिचुअल हेवनली लेसन बाय यूजिंग एवरीडे ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ एंड देयर एक्टिविटीज। और एक दृष्टांत जो है वो लोगों के, आम लोगों के प्रतिदिन के कार्यों और उनके जो अनुभव होते हैं उसको लेकर यीशु मसीह बहुत दैवीय कुछ पाठों को सिखाता है। सो आई विल ऑल्सो यूज अ पैराबल। सो मैं भी इस दृष्टांत को इस्तेमाल करूँगा। सपोज देर इज अ गुड मैन, मान लीजिए एक अच्छा एक व्यक्ति है, एंड यू पुट दिस मैन इनटू अ सिचुएशन वेयर ही कम्स फेस टू फेस विद डेथ। और ऐसा एक भला व्यक्ति को आप एक ऐसे परिस्थिति में रख देते हैं कि उसका सामना मौत से हो जाता है। यू नो व्हाट यू विल सी, आप जानते हैं आप क्या देखेंगे? यू विल सी हिम इन हिज ट्रूएस्ट एंड डीपेस्ट सेल्फ। आप इस व्यक्ति को उसके सच्चे और अपने पूरे वास्तविक जो मनुष्य है आप उसको देखेंगे। That's right. And this is something that he himself may not be aware of what he truly is. और हो सकता है कि वो व्यक्ति वो स्वयं नहीं जानता हो कि वो वास्तव में कैसा है। But when a person is in this situation, लेकिन जब एक व्यक्ति ऐसे एक परिस्थिति का सामना करता है, यू विल फाइंड आउट हाउ गुड दिस पर्सन इज, आप जान जाएंगे कि वो व्यक्ति कितना भला है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ट्रायल्स डू नॉट मेक और ब्रेक अ पर्सन, परीक्षाओं से एक व्यक्ति ना तो बनता है ना वो टूट जाता है। ट्रायल्स ऑफ लाइफ विल ओनली रिवील हिम टू द वर्ल्ड। जीवन के जो परीक्षाएं होते हैं या अनुभवे होते हैं वो सिर्फ संसार को प्रकट करेगा कि वो व्यक्ति वास्तव में कैसा है। And he himself may not know what kind of a person he is. और हो सकता है वो व्यक्ति स्वयं इस बात को ना जानता हो कि वो वास्तव में क्या है। Only such a situation will reveal. Thus, it is not the circumstance that made him like that. लेकिन वो जब ऐसे परिस्थिति में पड़ जाता है तब दिखता है कि वो वास्तव में कैसा है। But the circumstances will, when you face your situation, that situation or circumstance will only reveal what kind of person you are. और हो सकता है वो जो परिस्थिति है उस व्यक्ति को ऐसे ना बनाता हो, लेकिन वो परिस्थिति सिर्फ प्रकट करता है कि वो व्यक्ति वास्तव में कैसा है। दिस ट्रूथ इज इलस्ट्रेटेड इन द लाइफ ऑफ डिसाइपल्स व्हेन दे केम फेस टू फेस विद डेथ इन दैट टेरिबल स्टॉर्म। और ये सत्य जो है ये सामने प्रकट हुआ उन चेलों के बीच में जब वो चेले जो है उस आंधी तूफान में फंस गए और उनको लगा कि वो मरने वाले हैं। इट वॉज इन द स्टॉर्म स्ट्रक सी दैट देयर ट्रू कलर्स वेयर रिवील्ड। और वो उस तूफान में था जो समुद्र में उठा था कि उनके जो वास्तविकता है वो निकल के आया।
That is what prompted Jesus to ask them the question, why are you so afraid? और इसी कारण से यीशु मसीह को उनको पूछना पड़ा कि तुम लोग क्यों डर रहे हो? Even they themselves did not know that they were fearful people. और वो स्वयं इस बात को नहीं जानते थे कि वो लोग इतना डर गए थे. But that situation revealed how these people are weak. लेकिन उस परिस्थिति ने इस बात को प्रकट किया कि ये लोग कितने कमजोर हैं और डरे हुए हैं. Trials and their worries plague all of us. और परीक्षाएं जो आते हैं और जीवन के जो चिंताएं हैं वो हम सबके ऊपर हम सबके सामने आते हैं. Whether you are a follower of Christ or whether you are a sinner or wicked person, चाहे आप यीशु मसीह के अनुयायी हो या कोई पापी व्यक्ति हो या संसार के व्यक्ति हो. You may belong to a particular religion. हो सकता है आप किसी धर्म के हो. It doesn't make any difference. लेकिन इससे कोई मायने नहीं रखता. All of us face situation. हम सब कोई ना कोई परिस्थिति या अनुभव का सामना करते हैं. Severe anxiety can immobilize us. और बहुत ज्यादा चिंता जो है हमें इतना परेशान करके रख देता है. Steal away our joy and replace it with panic. और हमारा सारा आनंद और खुशी को चोरी चुरा के ले जाता है और हमें हम घबराहट से भर जाते हैं. And that kind of fear can affect our physical strength as well. It will deteriorate to physical condition. और इस प्रकार का जो घबराहट और चिंता है वो हमारे शरीर के ऊपर भी हावी हो सकता है और हम कमजोर महसूस कर सकते हैं. So as Christians, we are also not immune to such situation. So मसीह होने के नाते ऐसा नहीं है कि हम ऐसे परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे, हम मजबूती से खड़े हो पाएंगे. In this passage, लेकिन इस भाग में even disciples fell apart when their circumstance got out of hand. यीशु मसीह के चेले जो है वो भी इतना घबराहट और डर से भर गए जब वो परिस्थिति उनके हाथ से निकल गया. Jesus was teaching the disciples through parables. यीशु मसीह अपने चेलों को दृष्टांतों के द्वारा सिखा रहे थे. And he was teaching them one spiritual lesson after another. और यीशु मसीह उनको एक आत्मिक पाठ से और दूसरा और उससे बढ़कर उनको सिखा रहे थे. And this particular chapter, the fourth chapter of the Gospel according to Saint Mark, contains four such parables. और इस मरकुस के चौथे अध्याय में चार ऐसे दृष्टांत हम पाते हैं. And it is called parables of the kingdom of God. और ये जो है परमेश्वर के राज्य के दृष्टांत कहलाए जाते हैं. Then in verses 35 to 41, और फिर 35 पद से 41 पद तक, we are told Jesus took them from the lecture hall of theory into the lab of a real life situation. और यहाँ पर बताया जाता है कि यीशु मसीह उस कक्षा के कमरे से उनको बाहर निकाल के जो जीवन का जो अनुभव है जो लैब है वहां पर ले जाता है. सो दे स्टार्टेड ऑफ इन अ बोट. सो उन लोग ने अपने यात्रा को शुरू किया एक नाव पर. एंड नेचुरली आफ्टर अ डे लॉन्ग टीचिंग जीसस मस्ट हैव बीन रियली फिजिकली एग्जॉस्टेड. और ये स्वाभाविक बात है, पूरे दिन लोगों को शिक्षा देते हुए और सिखाने के बाद यीशु मसीह थक गए होंगे. द सी वॉज काम एंड द इवनिंग ब्रीज वॉज सो सूथिंग एंड कम्फर्टिंग. और उस समय समुद्र बहुत शांत था और जो जो अच्छी हवा चल रही थी बहुत अच्छा था. सो जीसस फेल ऑफ टू स्लीप. सो ऐसे वातावरण में यीशु मसीह को नींद आई और वो सो गए इन द बोट उस नाव में. एंड द डिसाइपल्स वर रोइंग ऑन. और वो चेले उस नाव को चलाते हुए जा रहे थे. Enjoying their boat ride. और अपने नाव के उस यात्रा का आनंद उठा रहे थे. Because the sea was calm and there was no danger. क्योंकि उस समय वो शांत था, समुद्र पूरा शांत था. But this particular sea of Galilee had a peculiar nature. लेकिन ये जो समुद्र है, जो गलील का समुद्र था, इसका एक विशेष एक स्वभाव था. This sea was subject to sudden storms.
और ऐसे हो सकता था कि इस समुद्र में अचानक एक हलचल मच जाए, एक तूफान आ जाए. Without warning, storm can hit the sea. और बिना चेतावनी के एक तूफान तुरंत आ सकता था. One of such storms struck their boat. और ऐसे ही हुआ उस रात को. That night, unexpectedly. और बिना आशा किए अचानक से एक तूफान आ गया. Without warning, बिना चेतावनी के. Look at verse 37. 37 पद को देखें. That is what we read. तब बड़ी आंधी आई. और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी. Suddenly, अचानक, without warning, बिना चेतावनी के, a big storm, एक बड़ा आंधी. But these disciples were well experienced men to handle storms in the sea. लेकिन ये जो चेले थे, वे बहुत अनुभवी थे ऐसे आंधी तूफान का सामना करने के लिए. And but unfortunately, लेकिन दुर्भाग्यवश, this sudden storm was so terrible. Even they could not control. ये जो आंधी तूफान शुरू हुआ ये इतना अब उनके नियंत्रण से भी बाहर चला गया. They thought they all are going to perish. उन्होंने सोचा कि वो सब नाश होने वाले हैं. They were panicking. वे बहुत डर गए. And Jesus was fast asleep. लेकिन यीशु मसीह वहाँ आराम की नींद में सो रहे थे. Verse 38. 38 पद में. And imagine his disciples were facing terrible storms. And a threatening, life-threatening storm in the sea, and Jesus was calmly sleeping. और ये कल्पना करें कि जो चेले हैं वो इस बड़े आंधी तूफान का सामना कर रहे थे और हो सकता है उनका जान भी चला जाए ऐसे डरे हुए थे लेकिन यीशु मसीह वहाँ आराम की नींद सो रहे थे. When all their efforts were failed, जब उनके सारे कोशिशें जो है वो असफल हो गए. They woke up Jesus. उन्होंने फिर यीशु मसीह को जगाया. Now consider Jesus. ले अब यीशु को ध्यान दे. Jesus stood up. यीशु मसीह खड़े हुए. Calm and collected. No panic, no sign of any kind of. All बिल्कुल आराम से खड़े हुए, कोई डर का कोई भी निशानी नहीं और बिल्कुल शांत रीति से. Absolutely, he was controlled in his spirit. और अपने आत्मा में पूरे नियंत्रित थे. No fear. कोई डर नहीं. No panic. कोई घबराहट नहीं. He was calm. वो शांत थे. He didn't even raise his voice. यीशु मसीह ने अपने आवाज को भी ऊंचा नहीं उठाया. Without raising his voice. बिना अपने आवाज को ऊंचे उठाते हुए. He rebuked. The storm. यीशु मसीह ने उस आंधी तूफान को डांटा. The forces of nature. जो प्रकृति के जो शक्तियां हैं. Calmly he rebuked. बहुत शांतिपूर्वक यीशु ने उनको डांटा. Have you seen pastors and others rebuking the devil, rebuking sicknesses and all that? क्या आपने कभी देखा है पासवान लोग कैसे दुष्ट आत्मा को निकालते हैं किसी व्यक्ति से? How do we pastors do? हम पासवान लोग कैसे करते हैं? हम लोग इतना चिल्लाते हैं और इतना पेशेंट को हम इतना हिलाते हैं ऐसा लगता है इनका गला टूट जाएगा. गर्दन टूट जाए. हाँ गर्दन. And rebuking the devil is still horrible. शैतान को इतना डांटते हैं लेकिन वो हिलता नहीं है. And our people also are so used to it, unless we also do that, they are not satisfied. और जो लोग हैं वो भी इसके इतने आदि हो गए हैं कि जब तक हम ऐसे करेंगे नहीं वो लोग संतुष्ट नहीं होते हैं. I want to tell you something. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. When the Bible teaches us something, जब बाइबल हमें कुछ बात सिखाती है, just believe what the Bible says. सिर्फ आप विश्वास करें जो बात लिखी है. Now I see so many people coming for prayer. मैं देखता हूँ कि बहुत लोग सामने आते हैं प्रार्थना मांगने के लिए. First they go to Pastor Sami. सबसे पहले वो पास्टर सैमी के पास जाएंगे. So he prays.
फिर वो प्रार्थना करते हैं. Some of the people are not satisfied with. और उससे कुछ लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है. Then going around they come to me. फिर वो मेरे पास आते हैं. And say, Pastor, please pray. और कहते हैं पासवान मेरे लिए प्रार्थना करें. I saw Pastor Sami praying for. मैं कहता हूँ कि अरे पास्टर सामी ने अभी अभी तो प्रार्थना की आपके लिए. No, 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 no. आप ही प्रार्थना. नहीं नहीं आप एक बार प्रार्थना कीजिए. I am telling you very very simple way. और मैं आपको बहुत साधारण सी बात बता रहा हूँ. Jesus Christ has not commanded us to rebuke with a loud voice and shout and shake and everything. Nothing. यीशु मसीह ने कभी भी कोई भी आज्ञा नहीं दिया कि हम बहुत ऊंचे आवाज में डांट के और हिलाते हुए और ऐसे हम प्रार्थना करें. He did not even ask us to pray. यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि तुम प्रार्थना करो. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन टू दिस. आप सब लोग इस बात को ध्यान से सुने. व्हाट डिड ही कमांडेड अस? यीशु ने क्या आज्ञा दिया? ही कमांडेड अस. यीशु मसीह ने आज्ञा दिया सिंपली ले आवर हैंड्स ऑन द सिक. सिर्फ अपने हाथों को बीमारों के ऊपर रखो. दैट्स ऑल. सिर्फ इतना ही. And some of you who pray for the sick people, please remember that. और आप में से जितने लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं इस बात को याद रखें. You don't have to shout. आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है. You don't have to rebuke, you know, in a such a way that what to say, everybody gets afraid. और ऐसे आप चिल्लाने लगते हैं कि सब लोग डर जाते हैं. You know why we have to do all that? आप जानते हैं हमें ये सब क्यों करना है? बिकॉज वी डोंट हैव एनफ कॉन्फिडेंस इन द वर्ड ऑफ गॉड. बिकॉज वी डोंट लिव क्लोज टू गॉड. क्योंकि हमारे पास इतना विश्वास नहीं है परमेश्वर के वचन के ऊपर. क्योंकि हम परमेश्वर के निकट नहीं रहते हैं. इफ यू आर अ पर्सन हु वॉक्स विद गॉड इन द स्पिरिट. अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आत्मा में परमेश्वर के संग चलते हैं. ऑलवेज बिलीव एंड बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट. हमेशा याद रखे विश्वास करे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए. लिव इन ओबीडियंस टू गॉड. आज्ञाकारिता में यीशु मसीह के साथ जिए. एंड दस योर रिलेशनशिप शुड बी clean and effective with the Lord and with one another, and in that spirit you must worship the Lord, and you have the power within you, and your hand is an extension of the hand of Jesus. That's why Jesus said, these signs will follow them that believe. They shall. Anybody remember that passage? और इस प्रकार आप अपने रिश्ते को यीशु मसीह के संग इतने पवित्रता और निकटता के साथ रखें ताकि आपको इतना विश्वास हो कि जब आप अपने हाथ को रखेंगे और बोलेंगे ये बीमारी दूर हो जाए. Do you know that? I really. Jesus simply said, "You lay your hand." यीशु मसीह ने सिर्फ इतना कहा कि अपने हाथ को रखो. How many of you remember that passage? आप में से कितने लोगों को वो वचन याद है? Many of you even do not know that word. बहुतों को ये वचन मालूम भी नहीं. Read the gospels. सुसमाचारों को आप पढ़ें. This is said in the same gospel. इसी सुसमाचार में पाया जाता है. These signs will follow them that believe. चिन्ह और चमत्कार उनके पीछे चलेंगे जो विश्वास करते हैं. They shall lay their hands on the sick. वे अपने हाथों को बीमारों के ऊपर रखेंगे. And the sick shall be healed. और बीमार जो है वो चंगे हो जाएंगे. That is all Jesus said. सिर्फ इतना ही यीशु ने कहा. But on your part, लेकिन, who are coming to be prayed for, लेकिन आप जो प्रार्थना मांगने आ रहे हैं, what is your part? आपका पार्ट क्या है? Your part is when a servant of God lays his hand on you with faith. आपको ये करना है कि जब कोई परमेश्वर का दास विश्वास से अपने हाथ को आपके ऊपर रखता है. You must exercise your faith in the Lord Jesus Christ. आपको अपने विश्वास का अभ्यास करना है यीशु मसीह के ऊपर. And confess with your mouth, I am healed. और अपने मुंह से अंगीकार करना है कि मैं चंगा या चंगी हो गई हूं. And then you go. और फिर आप जाते हैं. You will find that you are really healed. आप इस बात को पाएंगे कि आप चंगे हो गए हैं. But then the question is asked.
asked. लेकिन फिर सवाल पूछा जाता है. See, I've been praying for so long and nothing is happening. कि मैं बहुत दिनों से प्रार्थना करते आ रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है. In the ministry of Jesus, यीशु मसीह के सेवकाई में, He healed always instantaneously. यीशु मसीह ने हमेशा उसी वक्त तुरंत अपने चंगाई को दिया. He can heal that way. इस प्रकार यीशु मसीह चंगाई दे सकते हैं. But he can also heal step by step. लेकिन यीशु मसीह कदम पे कदम से भी अपने चंगाई को दे सकते हैं. Some cases, कुछ ऐसे बातों में, it doesn't happen suddenly. कुछ बातें तुरंत नहीं होती हैं. The reason is, उसके पीछे कारण यही है. He wants to know what kind of faith you are exercising in. यीशु मसीह जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार के विश्वास का अभ्यास कर रहे हैं. Whether you will cling on to him always. कि क्या हमेशा आप यीशु मसीह को पकड़े रहेंगे. Or you easily get disappointed and you give up. या फिर आप आसानी से निराश होके आप हार मानते हैं. The Bible says, बाइबल कहती है, He is a rewarder of those who seek him earnestly. यीशु मसीह जो है उन लोगों को प्रतिफल देता है जो सच्चे मन से उसके खोजी हैं. Earnestly mean wholeheartedly. और सच्चे मन से पूरे हृदय से उसके खोजी हैं. And you have such trust in Jesus. और इस एक गहरा एक विश्वास एक भरोसा यीशु मसीह के ऊपर. Listen to this. He said. ध्यान से सुने. यीशु ने कहा. If you believe. When you pray, अगर तुम विश्वास करोगे जब तुम प्रार्थना करते हो, that you have received what you have asked for, कि जो कुछ भी तुमने मांगा है तुमने उसे पाया है, then you will have it, तब तुम उसे पाओगे. You understand? आप समझ गए? You know what that means? आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है? Suddenly when the prayer is over, अचानक जब प्रार्थना समाप्त हो जाता है, you may not see any answer. हो सकता है आप किसी उत्तर को ना देखते हो. But believing is done at the time of prayer. लेकिन विश्वास करना वो प्रार्थना के समय होता है. When the answer becomes visible, when you go on with faith that God has heard my prayer and I am healed. And I will. लेकिन उसका उत्तर जो है वो तब दिखता है जब आप विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाते हैं और विश्वास के साथ भरोसा रखते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है. So all these lessons must be learned. So ये सारे जो पाठ हैं हमें सीखना है. If I pray for you today, अगर आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, at the time of prayer, प्रार्थना के समय में, you believe, आप विश्वास करें, that I have received, कि मैंने उस उत्तर को पा लिया है. Nothing may be visible. हो सकता है कुछ उस समय दिखता ना हो. But with that confession, you go on praising God. लेकिन उस अंगीकार के साथ आप लगातार परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद देते हैं. Then Jesus said, then you will have it. तब यीशु ने कहा तब तुम उसे पाओगे. So that is what I am going to ask you to do that. और इसलिए मैं आपसे इस बात को बोलूंगा कि आप ऐसा करें. Don't give up. आप हार ना माने. God has heard your prayer. परमेश्वर ने आपके प्रार्थनाओं को सुना है. You keep confessing that this child is healed. आप इस बात को मानते रहे अंगीकार करते रहे कि इस बच्चे ने चंगाई को पा लिया है. And you go on praising God. और आप लगातार परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते And रहे. Suddenly one day, और अचानक एक दिन you will see him standing on आप देखेंगे कि ये बच्चा अपने पैरों पर खड़ा है. Don't give up. आप हार ना माने. Believing is done when the time we pray. विश्वास जो है वो उस समय किया जाता है जब हम प्रार्थना करते हैं. But the visibility of that blessing may take little time. लेकिन वो उस चंगाई को देखने में हो सकता है कुछ समय लगे. Because God is no respecter of person. क्योंकि परमेश्वर किसी व्यक्ति का पक्षपात नहीं करता है. He loves you as much as he loves anybody else. और परमेश्वर आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना वो दूसरे लोगों से करता है. I remember several times I've experienced healing. After a long time. और मुझे याद है कि बहुत बार मैंने चंगाई को महसूस किया बहुत लंबे समय के बाद. Many many years ago. बहुत वर्ष पहले. In a sensitive part of my body, something began to grow. मेरे इस शरीर में एक ऐसे हिस्से में कुछ एक बड़ो
some, you know, कुछ just like फोड़ा जैसे बढ़ने लगा. Yeah, yeah. You know, I could feel it. मैं उसको महसूस कर सकता था. And I could touch it. मैं उसको छू भी सकता था. And it was becoming bigger and bigger. लेकिन वो चीज बढ़ता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था. I never went to a doctor. मैं कभी भी किसी डॉक्टर के पास नहीं गया. I just told the Lord. मैंने सिर्फ प्रभु से कहा, Lord, this is happening. I don't know what it is. प्रभु, ये बात मेरे शरीर में हो रहा है, मुझे नहीं मालूम ये क्या है. But I am trusting. लेकिन मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ. Then in fact, I forgot about it. उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं उसके बारे में भूल भी गया. And I went on. और मैं ऐसे ही अपने रोज के काम After में लगा some time, रहा. I suddenly remembered. फिर एक दिन मुझे अचानक याद आया. I was having this problem. कि मेरे पास ऐसा एक समस्या था. What happened when I क्या हुआ? That growth is completely फिर disappeared. जब मैंने जांचा तो देखा वो बढ़ोतरी जो था वो बिल्कुल गायब हो गया. At the time you pray, you believe it is done. जिस समय आप प्रार्थना करते हैं उसी समय आप विश्वास करें कि हो गया है. It is done. हो गया है. My child is healed. मेरा बच्चा चंगा हो गया है. Hallelujah. Hallelujah. Because Jesus who gave me this child, He loves this child more than I can. क्योंकि यीशु मसीह जिसने मुझे इस बच्चे को दिया है वो मुझसे भी बहुत प्रेम करता है. Hallelujah. Hallelujah. When Moses was born, जब मूसा पैदा हुआ, the order, the command, the dictator Pharaoh gave was all the male child of the Jewish families must be killed. और जो तानाशाही था फिरौन, उसने इस आज्ञा को दिया कि यहूदी परिवार में जितने भी पुरुष जो बच्चे हैं उनको मार दिया जाए. बट व्हेन मोसेस वाज बोर्न हिज मदर फाउंड दैट ही वाज नॉट ऑर्डिनरी, ही वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. लेकिन जब मूसा पैदा हुआ तो उसके माँ ने इस बात को महसूस किया कि ये बच्चा बहुत विशेष है, बहुत सुंदर है. समहाउ she managed to protect that child for 3 months. So किसी प्रकार उस माँ ने वो सफल हो गई कि 3 महीने तक उस बच्चे को संभाल के रखी. After 3 months, लेकिन 3 महीने के बाद she could not hide him like that all the time. हर समय ऐसे छुपा के रखना संभव नहीं था. Because as you know, his cry and his noise started louder and क्योंकि loud. जैसे कि आप जानते हैं बच्चा बढ़ता है तो उनका रोना और चिल्लाना और भी बढ़ जाता है. और बहुत से हरकतें होते हैं. And the mother knew that if this child remains here, one day the soldiers are going to discover him and they are going to kill him. और माँ इस बात को जानती थी कि अगर किसी दिन सिपाही आके इस बच्चे को देख लिए तो तुरंत उसका जान ले लेंगे. So she exercised some tremendous faith. So उस समय उस माँ ने एक बहुत बड़े विश्वास को दिखाया. She called her husband one day. उन्होंने अपने पति को बुलाया. You go to the seaside and bring some reed. For me, कि तुम उस समुद्र के किनारे जाओ और वहां से कुछ पौधे को उखाड़ के लाओ. समुद्री पौधे. And with that she made a small boat. और उस उन पौधों से उन्होंने एक छोटा सा एक नाव बनाया. Those days, where did she get the idea of a boat? और उन दिनों में उनको कहां से ये ख्याल आया कि छोटा सा एक ऐसा नाव बना ले? She learned it from the boat that Noah made. उन्होंने सीखा कि नूह ने ऐसा एक नाव को बनाया था. When there was no rain, जब कोई बारिश नहीं था. No sea, कोई समुद्र नहीं था. There was no need for any boat. और किसी नाव का कोई जरूरत भी नहीं था. God commanded Noah to build an ark. परमेश्वर ने आज्ञा दिया नूह को कि तुम नाव को बनाओ. And he God gave him the design and everything. और परमेश्वर ने नू को सारे उसके नाप और हिसाब सब बता दिया. So maybe from the God of Noah, her God, Noah, she learned that. So उस नू के परमेश्वर से इस माँ ने भी सीखा कैसे बनाना. So she made this small boat. और इस छोटे से नाव को उन्होंने बनाया. And made it comfortable. और उसमें बहुत आराम कर दिया. Put this baby inside it. और अपने बच्चे को इस नाव में And covered that with the lid. और उसको ढाप दिया. She took it to the sea, a Nile river. और नील नदी पर ले गई.
Consider the way she exercised her faith. और ध्यान दे किस प्रकार इस माँ ने अपने विश्वास को लगाया. And she, you know what she did? She just gave a gentle push. और उस नदी में ले जाके उसको थोड़ा सा धक्का दिया. And the water was carrying that baby in that boat. और तब वो पानी जो है उस नाव को अपने बहाव में ले जा रहा था. What was she doing? वो क्या कर रही थी? She was exercising faith. वो अपने विश्वास को अभ्यास कर रही थी. All her problem. उनने सारे समस्याएं. All her heartache. अपने सारा हृदय का दर्द जो है. Hallelujah. She put in that boat. वो सब उस माँ ने उस नाव में रखा. When she gave a push to that boat, और जब उस नाव को धक्का दिया, she was releasing her burden to God. वो माँ जो है अपने सारे बोझ को परमेश्वर की तरफ धक्का दिया. God, कि प्रभु, I don't know how you are going to do it. मैं नहीं जानता कि आप ये काम कैसे करेंगे. Moses belongs to you. मूसा जो है वो आपका है. This baby you gave. ये बच्चा आपने मुझे दिया. I am now releasing the baby. लेकिन अब मैं इस बच्चे को वापस आपके हाथों में सौंप रही हूँ. That is faith. यही विश्वास है. Not knowing what is going to happen. ये नहीं जानते हुए कि आगे क्या होगा. And the water carried that baby where? और उस पान नदी ने उस बच्चे को कहाँ ले गया? That morning, the daughter of the sister of Pharaoh, the king, was coming there. और उस सुबह वो फिरौन की जो बहन है, वो वहाँ पर आई नहाने के लिए. With her maid servants. अपने सारे जो नौकरानियों के साथ. The princess. और जो राजकुमारी थी. Hallelujah. Hallelujah. And she saw this small boat. और इस राजकुमारी ने इस छोटे से नाव को देखा. She picked it up and opened it. और उस नाव को लेकर उन्होंने उसको खोला. And what a beautiful baby. और देखा कितना सुंदर एक बच्चा उस नाव में. She said, उन्होंने कहा, His name will be Moses because I drew him from the water. इसका नाम मूसा होगा क्योंकि मैंने इसको पानी में से निकाला. And I will bring him up. As my own son. और मैं इसको बढ़ाऊंगा अपने खुद के बच्चे के समान. Hallelujah. Hallelujah. And who was watching all that? और बहुत दूर से कौन देख रहा था? Moses's older sister. मूसा की जो बड़ी बहन थी वो दूर से देख रही थी. And when she saw that the princess had picked up the baby. और जब उन्होंने देखा कि राजकुमारी ने स्वयं उस बच्चे को लिया. She came running. वो दौड़ते हुए आई. And said, Madam. और उन्होंने कहा, राजकुमारी, Do you want me to find a woman who can feed the baby and bring him up for you? और ऐसे पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं एक ऐसे स्त्री को लाऊं जो इस बच्चे को खिला पिला सकती है और इसको बढ़ा सकती है? And she said, go, 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 go and bring. राजकुमारी ने बोला, हाँ, जल्दी जाके बुला लाओ. Whom did she bring? और किसको लाई? Moses' own mother. मूसा के स्वयं के माँ को. And this princess did not know. ये राजकुमारी नहीं जानती थी. But who was working behind all this? लेकिन इन सब के पीछे कौन कार्य कर रहा था? The hand of God. परमेश्वर का महान हाथ. The mighty hand of God. परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ. Hallelujah. Hallelujah. And the princess said to Moses' mother. और राजकुमारी ने मूसा के माँ से कहा. She did not know she was Moses' mother. वो ये नहीं जानती थी कि ये मूसा की माँ है. Now listen to this. ध्यान से सुने. She said, "You take this baby." राजकुमारी ने कहा कि तुम इस बच्चे को ले जाओ. And feed him. और कुछ खिलाओ पिलाओ. And bring him up for me. और इसको मेरे तरफ से आप इनको बड़ा करो. And when she comes out of mother's milk. और जब माँ के दूध से ये बाहर आएगा, then bring him to me. तब इसको बच्चे को मेरे पास लाओ. I will pay you. मैं इसके लिए तुम्हें कुछ कीमत दूंगी. Do you see that? आप देख रहे हैं? This is the faith that is missing in all of us. यही वो विश्वास है जो बहुत कम है हम लोगों में. We don't trust God. हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं. We want everything immediately in a platter.
without any cost. हम चाहते हैं कि सब कुछ हमें थाली में मिल जाए और तुरंत मिल जाए. If we will only leave our burdens to Jesus. अगर सिर्फ हम अपने बोझों को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें. When Moses' mother pushed her into the river of Nile River, she was actually releasing him into God's hand. जब मूसा की माँ उस बच्चे को उस नदी में भेज रही थी, वो वास्तव में परमेश्वर के हाथों में सौंप रही थी. And to bring him up, और उसको बढ़ाने के लिए, his own mother got salary also. मूसा के माँ को तनख्वाह भी मिला. Hallelujah. Hallelujah. You see how God works. आप देख रहे परमेश्वर कैसे कार्य करता है. If you only trust in Jesus. अगर आप सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे. So you just release this baby sister. Release the baby to Jesus. So बहन जी आप इस बच्चे को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे. He will take care. परमेश्वर इसका ख्याल रखेगा. And Moses' mother brought him up. और मूसा की माँ उस बच्चे को बढ़ाया. ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान, हिज ओन मदर केप्ट हिम ऑन हर लैप. मूसा की माँ ने मूसा को अपने गोद में रखा. एंड टॉट हिम अबाउट यहोवा गॉड. और उनको यहोवा परमेश्वर के विषय में सिखाया. हालेलुया, हालेलुया. एंड देन ही ब्रॉट बैक. और फिर मूसा की मां ने मूसा को उस राजकुमारी के हाथों में सौंप दिया. What was God doing? परमेश्वर क्या कर रहे थे? God was preparing a deliverer for the people of Israel. परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक छुटकारा करने वाले को तैयार कर रहा था. Hallelujah! 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 And who was bringing him up? और कौन उसको बड़ा कर रही थी? फिरौन. Firon swam, who ordered killing of all the boys. जिन्होंने आज्ञा दिया था कि सारे लड़कों को खत्म कर दिया जाए. And he was bringing up, spending all his money, palace, everything. He was bringing up Moses like a prince. He was a prince. Firon swam जो है सारा खर्चा और उस महल में ऐसे बढ़ा रहा था और उसको एक राजकुमार के समान बढ़ा रहा था. He got the best place to live. सबसे उत्तम स्थान मिला रहने के लिए. He had the best perfume. और सबसे अच्छा सुगंध मिला उसको. बेस्ट बेड, सबसे उत्तम बिस्तर मिला. किंगली बेड, किंग, प्रेज गॉड. पैलेस, एक महल में वो रहा. एंड द बेस्ट एजुकेशन, सबसे उत्तम शिक्षा मिला. बेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे उत्तम यूनिवर्सिटी में पढ़ा. बेस्ट क्लोथ, सबसे अच्छे वस्त्र पहना. सर्वेंट्स ऑन द राइट, सर्वेंट्स ऑन द लेफ्ट, सर्वेंट ऑन द फ्रंट, एवरीवेयर सर्वेंट. दाएं हाथ में दास, बाएं हाथ में दास, आगे पीछे दास, सब चारों तरफ थे. फॉर 40 years, 40 वर्षों तक. Until God's time came for Moses to go somewhere else. जब तक परमेश्वर का समय नहीं आया कि मूसा कहीं और जाए. You just imagine. आप कल्पना करें. If his mother had not released him to God's care. अगर उसके माँ ने उस बच्चे को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा होता. What would have happened? तो फिर क्या होता? The boy would have been killed. उस बच्चे को मार दिया जाता. But because she had dared to trust Jehovah God. लेकिन क्योंकि उस माँ ने हिम्मत दिखाया कि वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेगी. God of her fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. अपने पूर्वजों के जो अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर है. The deliverer of the people of Israel grew up in Pharaoh's own palace. और इसराइल का छुड़ाने वाला वो स्वयं फिरौन के महल में पला बड़ा. His mother would not have been able to give him even a decent cloth. उसकी माँ जो है वो उसको अच्छे वस्त्र नहीं उपाय कर पाती. But now here Moses is going with the princess clothes. लेकिन अब यहाँ मूसा को देख रहे हैं कि वो राजकुमार के वस्त्र पहन के चल रहा है. We need to trust and release our burden to God. हमें भरोसा करने सीखना चाहिए कैसे हम अपने बोझों को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें. Are you willing to do that? क्या आप तैयार हैं इस काम को करने के लिए? I am not able to complete this. I will
finish मैं अपने संदेश को खत्म नहीं कर पा रहा हूँ. But this is enough for us. लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है. Let me tell you this. मैं आपको एक बात बताऊँ. If you believe that Jesus Christ is truly your Lord and Savior. अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में आपका उद्धारकर्ता और प्रभु हैं. Have that deep conviction. आपके अंदर वो गहरा एक कायलता होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए. Take a stand for this Jesus. इस यीशु मसीह के लिए आप खड़े रहें. Trust him. उसके ऊपर भरोसा करें. He will not fail you at all. परमेश्वर कभी भी आपको पराजित नहीं करेगा. But it is our failure to trust in this God. और ये हम हार जाते हैं जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते That हैं is causing all the problem. और इसी से सारी समस्याएं उठती And then हैं you blame God. और फिर हम परमेश्वर को दोष देते हैं. You are finding out your own way of doing आप this. अपने ही तरीके ढूंढते हैं कैसे कामों को करना your है own way of handling things. अपने ही तरीके ढूंढते हैं परिस्थितियों को कैसे हम सूझे And then you doubt this God और फिर आप इस परमेश्वर पर शक करते हैं. You never trusted him. आपने कभी भी भरोसा नहीं किया परमेश्वर के ऊपर. You never took a stand for this. आप कभी भी परमेश्वर के लिए खड़े नहीं हुए. Don't do that. ऐसा ना करें. Trust him. परमेश्वर पर भरोसा करें. Stand for your conviction. अपने विश्वास के लिए आप दृढ़ता के साथ खड़े रहें. Be willing to make any sacrifices in order to be true. आप तैयार रहें कि कोई भी कीमत को चुकाए इस परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहने के लिए. Like the mother of Moses. मूसा के माँ के समान. Are you willing to release your burden to Jesus? क्या आप तैयार हैं कि आप अपने बोझ को यीशु के मसीह के हाथों में सौंप दें? And decide not to worry about it. और निर्णय करें कि आप इसके विषय में कभी भी चिंता नहीं करेंगे. You stand with me. आइए हम सब खड़े हो जाएं. Let us this morning. Ask God to forgive us for our failure. आइए आज की सुबह हम परमेश्वर से क्षमा मांगे कि हमने उस पर भरोसा नहीं किया. Have that boldness. हमारे अंदर वो हियाब हो, वो हिम्मत हो. To take a stand for Jesus. कि हम यीशु मसीह के लिए हम खड़े रहें. And be true to him. और यीशु के प्रति हम सच्चे बने रहे. God will ever remain faithful to you. परमेश्वर हमेशा आपके लिए विश्वास योग्य बना रहेगा. God will do the right thing at the right time. परमेश्वर बिल्कुल सही चीज सही समय पर करेगा. Hallelujah. Hallelujah. Let me remind you once again my subject. एक बार फिर से मैं आपको अपना विषय याद दिलाना चाहता हूँ. Circumstances and situations will not break you or make you. परिस्थितियां जो है वो कभी भी हमें ना तो बनाती है या तोड़ती है. Some people blame their circumstances. कुछ लोग अपने परिस्थितियां को दोष देते हैं. It is not the circumstances. ये वो परिस्थिति नहीं है. Circumstances and situation will only reveal what kind of person you are. परिस्थितियां और अनुभव जो है वो सिर्फ प्रकट करते हैं कि हम वास्तव में कैसे हैं. That's what happened. यही होता है. Suddenly, if you come face to face your death with death, अचानक अगर आपका आमना सामना मौत से हो जाए, what will you do? आप क्या करेंगे? And when I continue this message after next Sunday, अगले रविवार के बाद जब मैं इस संदेश को फिर आगे बताऊंगा, I will illustrate this message. So that you will understand more clearly. और मैं इस संदेश को और भी विस्तार से समझाऊंगा ताकि आप समझ ने पाए. But this morning, लेकिन आज की सुबह, from the story of Moses and his mother, मूसा और उसके माँ के अनुभव से, learn this. इस बात को आप सीखें. You can release your burden to Jesus. कि आप अपने बोझ को आप यीशु के हाथों में सौंप सकते हैं. Whatever your burden may be. आपका बोझ कुछ भी क्यों ना हो. Because unless you release it to him, he will not take it up. क्योंकि जब तक आप सौंपेंगे नहीं, यीशु मसीह उसको ले नहीं सकते. Because New Testament Apostle Paul says. क्योंकि नए नियम में पौलुस प्रेरित ने कहा. I know whom I am believed. मैं जानता हूं कि मैंने किस पर विश्वास किया है. That he is faithful. कि वो विश्वास योग्य है. And he is able to
keep that which you have committed to him. और वो योग्य है कि जो कुछ भी मैंने उसके हाथों में सौंपा है परमेश्वर उसको सुरक्षित रखेगा. Are you willing to commit? क्या आप तैयार हैं सौंपने के लिए your burden, your अपने बोझों को, अपने परिस्थितियों को, and then trust him. और फिर उस पर भरोसा रखें. Let him do what he wants to do in his time. और परमेश्वर का अनुमति दे कि परमेश्वर अपने समय में अपने कार्य को करें. Hallelujah. Hallelujah. You understand how he works. आप समझ गए परमेश्वर कैसे कार्य करता है. Hallelujah. Hallelujah.